हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आ गया हूँ लेकर एक नया टॉपिक आप सभी के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बना सकें। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वॉइस टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड मच मोर। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि आपको टाइप करने में यूँ समझ लीजिए कि आपको आलस आ रही है। तो क्यों ना ऐसा तरीका इजाद किया जाए, आप बोलो और टाइप हो जाए। ख़ास करके व्हाट्सएप, जो हर कोई यूज़ करता है, बोले और टाइप हो जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे इसके बारे में बताता हूँ सीधा। तो मैं मेरा व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, ये देख लीजिए। और व्हाट्सएप ओपन हो चुका है मेरा, जैसे कि कोई भी मैं एक ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बता सकूँ कैसे काम करता है। जैसे ये क्लियर कर दिया, अब मैं इस पर कुछ टाइप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं अपन, इस तरह से टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, ओके, तो ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके बाद अपन स्माइली लेते हैं, यहाँ से हर तरह की स्माइली लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो हिंदी में टाइप करने के लिए, ये जो रिव्यू में आपको कीबोर्ड का बता रहा हूँ वो गूगल हिंदी इनपुट वाला है, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एप्लीकेशन का, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे आप इंस्टॉल करने के बाद में इस तरह का कीबोर्ड आप जो देख रहे हैं मेरे वीडियो में, इस तरह का आपको दिखाई देगा। इसमें आप देख रहे हैं एक माइक का बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, माइक के बटन का उपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसका यूज़ आज तक नहीं किया है, ख़ास करके वो लोग जो ज़्यादातर बिजी रहते हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी में टाइम नहीं मिलता है कि कैसे ये सारी चीज़ें करें, कई बार ये अच्छी चीज़ें उपयोग में नहीं लाते हैं। तो शुरू करते हैं। चलो मैं इस पर टच करता हूँ, जैसे कि मैंने टच कर दिया, ओके, ये टच कर दिया, ओके। टच करते ही हेलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हेलो, हाउ आर यू, हो गया ना। तो मैं बोल रहा हूँ और टाइप हो रहा है, जस्ट लाइक अब जैसे कि इसे चेंज, अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे बैक कर दिया, तो ये वापस माइक का निशान आ गया। अब इसकी सेटिंग्स में जाते हैं अपन, ओके, ये सेटिंग्स में दबा दिया। अब इसमें बहुत सारी वॉइस के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप देखेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर रखा है, अब जैसे मैं से इंग्लिश को हटाकर हिंदी कर लेता हूँ, ओके, नेपाली, कितनी सारी भाषा, इन सब को आप बोल के टाइप कर सकते हो, गुजराती भी है इसमें। तो आप देखेंगे, ये देखिए, हिंदी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये सेव कर लिया, इसे मैं बैक कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ आपको, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, देखा आपने, यहाँ पे वाइट का टच कर देंगे आप, वाइट हो जाएगा तो टाइप नहीं होगा। आप इसको वापस रीटच करेंगे, मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, इसको मैंने वापस कर दिया, ठीक, इस तरह से आप यहाँ से काट सकते हो। तो सिंपल सा है दोस्तों, सिंपल सी चीज़ें हैं सेटिंग्स में। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आप ऑफलाइन लैंग्वेजेस डाउनलोड करना चाहते तो भी यहाँ से आप, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ऑटो अपडेट का निशान है, डू नॉट ऑटो अपडेट मैंने कर रखा है, ऑटो अपडेट लैंग्वेज एट एनी टाइम, ये सेलेक्ट करना चाहो तो ये कर सकते हो, ऑटो अपडेट लैंग्वेज वाईफाई ओनली, ये सारी चीज़ें आप हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ओके,
इंस्टॉल्ड मेरी इंग्लिश है ऑलरेडी US और इंडिया वाली, तो ऑफलाइन में इसे मैं काम में ले सकता हूँ। चलो मैं बैग आ जाता हूँ, फिर से एक बार आपको इंग्लिश में फिर से करके बता दूँ। अब मैंने दोनों लैंग्वेज सेव कर ली, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैं एक साथ करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये इंडिया इंग्लिश इंडिया को टच कर लिया। ओके, अब देखो मैं टाइप करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर, और नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी लेते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है आपके किसी करीबी को इसकी ज़रूरत हो, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ये मैंने इंग्लिश में हिंदी में लिखा, ठीक। अब इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में करता हूँ। वापस दबाएं। इन दिस वीडियो, अभी इंग्लिश ही ले रहा है, हिंदी को ही ले रहा है सब्जेक्ट। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक लैंग्वेज को डिसलेक्ट कर देना है, जैसे कि किसी भी एक लैंग्वेज को आप जैसे इंग्लिश में करना चाहते तो इसको सेलेक्ट कर दे, ताकि एरर नहीं आएगा कोई किसी तरह का, ये मेन चीज़ है। मैं अब करके बताता हूँ आप। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट हाउ टू टाइप इंग्लिश हिंदी एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस फास्टली एंड ईजीली। यू कैन ट्राई इट, फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी जो इस तरह से आप टाइप कर सकते हो। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझे ज़रूर लिख कर भेजिए अपने कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।